वेलकम टू मोटर रिव्यूज। और आज जो हम डिस्कस करेंगे अप्रिलिया ट्यूनो 125 जो कि इंडिया में जल्द लॉन्च होने वाली है। सारी डिटेल्स आपको इस रिव्यू में मिल जाएगी, तो अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अप्रिलिया ट्यूनो को 2018 ऑटो इंडिया एक्सपो में शोकेस किया गया था, तब से लेके आज तक इस बाइक की काफी टाइम से वेट हो रही है, बट फाइनली अब आपको इंडिया में जल्द देखने को मिल जाएगा। अगर आप अप्रिलिया इंडिया की वेबसाइट भी चेक करेंगे वहां पर ये बाइक आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस कारण अगर हम किसी भी वेबसाइट या सारी मीडिया को लगाकर चलें तो उनसे भी ये क्लियर होता है कि ये आपको जल्द देखने को मिल जाएगा। इस बाइक की क्या स्पेसिफिकेशन है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो आपको इंजन मिलता है 124.2 सीसी का रहेगा। पावर जो ये जनरेट करेगा 15 BHP की पावर मिल जाएगी इसमें आपको। टॉर्क इसमें आपको 11 न्यूटन मीटर का मिलता है। कूलिंग सिस्टम लिक्विड कूल रहती है टेक्नोलॉजी। नंबर ऑफ गियर्स आपको इसमें 6 मिल जाएंगे। जो इसका वेट है 122 kg रहता है इसका वेट। फ्यूल टैंक आपको 14 लीटर का मिलेगा। अगर हम इसकी एवरेज को लगाकर चलें तो आपको 35-40 km/L के हिसाब से आपकी एवरेज मिल जाएगी। सस्पेंशन आपको फ्रंट में 41 mm अपसाइड डाउन फोक्स मिल जाएंगे। रेयर में आपको हाइड्रोलिक मोनोशॉक देखने को मिल जाएगा। ब्रेक को लगाकर चलें तो फ्रंट डिस्क में आपको 300 mm का साइज मिल जाएगा और जो रेयर डिस्क का साइज है वो आपको 218 mm का साइज मिल जाएगा। तो इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा। ऑटो एक्सपो में जो बाइक लॉन्च किया गया था, लग रहा था कि ये बाइक पता नहीं इंडिया में लॉन्च होगा कि नहीं होगा, बट मैं आपको ये कंफर्म कर देता हूँ ये आपको इंडिया में जल्द देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसकी लुक्स को लगाकर चलें तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक्स और एक डिफरेंट लुक देती हैं ये, और ये देखने में तो बिल्कुल भी 125 सीसी का बाइक नहीं लगता। काफ़ी अगर आपको 200-250 cc के बाइक आपको काफ़ी अग्रेसिव लुक है इसके। तो इसकी ओवरऑल वेट भी बहुत कम है। अगर आप वेट को लगाकर चलें तो 122 kg ही है सिर्फ, और इसको आप सिटी में बहुत इजीली राइड कर लेंगे, काफ़ी कंफर्टेबल राइड देगा इसमें। वैसे तो फीचर्स के वाइज आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा, कंपनी ने काफ़ी अच्छे फीचर्स रखे हैं और इसमें आपको जितने भी फीचर्स हैं 200 और 250 cc के जितने भी प्रीमियम बाइक्स आते हैं उतने ही आपको जो कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे इसमें काफ़ी प्रीमियम कंपोनेंट्स, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। इसमें जो कलर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया में कितने कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें 2-3 कलर्स हैं। वैसे फिलहाल आपको ब्लैक और जो ड्यूल कलर है ब्लैक रेड कलर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा आपको सिल्वर कलर भी देखने को मिल जाएगा। इसका जो प्राइस है आपको इंडिया में जो इंट्रोडक्टरी प्राइस रहेगा 1,35,000-1,40,000 देखने को मिल जाएगा। 1,35,000 से लेके 1,40,000 पे आपको इसका जो प्राइस देखने को मिल जाएगा। तो जो इसका लॉन्च है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसका जो लॉन्च है आपको कब इंडिया में देखने को मिलेगा। इसका जो लॉन्च है अप्रैल के एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ मई में देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल जो मेरे पास अभी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपसे डिस्कस की। स्टिल आपके कोई डाउट्स या कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में आप जब भी कमेंट करेंगे मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के रिव्यू को हम इधर रिवाइंड अप करते हैं।